warahmatullahi wabarakatuhu. Manlis Ittihad al-Muslimin ke Zila Sadar Janab Muhammad Majid Sahab, Jhalna ke Manlis Ittihad al-Muslimin ke Umidwar Muhtaram Janab Iqbal Pasha Sahab, Sayyid Moin Sahab, General Secretary Maharashtra Manlis Ittihad al-Muslimin, Muhtaram Janab Maulana Mehfuzur Rahman Sahab, Aurangabad se tashreef laaye hamare corporator Muhtaram Janab Arjun Aikwadi Sahab, Buzugani Millat, mere bhaiyo naujawan saathiyo, Azizani Millat, Majlis Ittihad al-Muslimin ne Muhtaram Janab Iqbal Pasha Sahab ko यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ कि आप तमाम से गुजारिश कर सकूं कि आप तमाम हजरात, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के मेरी इज्जतदार और माँ और बहने, यहाँ के नौजवान सब मिलकर 21 तारीख के दिन मोहतरम जनाब इकबाल पाशा साहब का जो इम्तियाजी इंतखाबी निशान है पतंग पर, अपना बटन दबाकर इनको अपने वोट और अपनी दुआओं से कामयाब करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मुझसे बेहतर महाराष्ट्र की सियासत से बाखबर हैं, मगर वहां पर आने से पहले मैं एक बात कहना जरूरी समझता हूं, क्योंकि आज नागपुर में जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पर आरएसएस के चीफ ने मोहन भगवत ने अपनी तकरीर में एक बात कही जो मुझे पसंद नहीं आई, और यकीनन आरएसएस की हर बात मुझे पसंद नहीं आती। तो मोहन भगवत से आज के उनके तकरीर के जुमले का जवाब देना जरूरी है, वरना दुनिया ये समझेंगी कि ओवैसी ने कर्जा नहीं उतारा आरएसएस। मोहन भगवत ने अपनी तकरीर में ये कहा, मोहन भगवत ने अपनी तकरीर में ये कहा कि मॉब लिंचिंग का ताल्लुक भारत से नहीं है, ये किसी एक मगरबी मुल्क या किसी एक मजहब से उसका ताल्लुक है। और अपनी तकरीर में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे वतनी अजीज भारत में सदियों से जमहूरियत है, तो इन दो चीजों का जवाब देना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि जनाब मोहन भगवत साहब, आप ये कहकर कि भारत में सदियों से जमहूरियत है, आपने झूठ कहा। आपने ये जुमला कहकर बाबा साहेब अंबेडकर की तौहीन की, इसलिए तौहीन की कि हिंदुस्तान में 1947 से पहले 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत थी, उसके बाद उससे पहले बादशाहों ने हुकूमत की, चाहे वो सल्तनत मुगलिया हो या फिर मुख्तलिफ जितने बादशाह गुजरे। तो जो बादशाह की हुकूमत होती है या किसी राजा की हुकूमत होती है, तो वो जमहूरियत की बात नहीं करती, वो सिर्फ राजा के हुक्म की बात करती है। हिंदुस्तान में जमहूरियत कब आई? हिंदुस्तान में जमहूरियत राजाओं और बादशाहों ने नहीं दी। हिंदुस्तान में जमहूरियत आई तो उसका सहरा बाबा साहेब अंबेडकर को जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत में संविधान बनाया। उनके राजाओं और बादशाहों के जमाने में इंसानों को बराबर नहीं देखा जाता था। भगवत बादशाह राजाओं के जमाने में इंसानों को इस तरह से देखा जाता कि कौन जन्योधारू है और कौन सबसे नीचे दलित है, समाज है।
और इसी तरह लोगों में इस तरह से उनको देखा जाता था, मगर जब हमने मुल्क को आजाद किया और जब हमने अपने मुल्क को चलाने के लिए जो संविधान बनाया, जिसको संविधान बनाने वाले का नाम बाबा साहिब अम्बेडकर था, उन्होंने कहा कि अब राजा और बादशाहों का दौर नहीं चलेगा, अब हर इंसान बराबर होगा। कोई अगर मराठा होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई भी होगा, सब कानून की नजर में बराबर होंगे। कोई बड़ा और छोटे का फर्क हमने संविधान बनाकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये जमहूरियत, ये जमहूरियत। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग जो है ये भारत का हिस्सा नहीं है। मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूं कि 1984 में जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली की सड़कों पर जो सिखों का कत्लेआम हुआ, सिख औरतों की इज्तिमाई अस्मत रेजी की गई, सिखों को उनके गलों में जलते हुए टायर उनके गलों में डाले गए, वो क्या था? वो मॉब लिंचिंग नहीं था मोहन भगवत साहब? क्या था वो? क्या था बताइए आप? मगर आप कहते हैं कि मॉब लिंचिंग का ताल्लुक एक मगरबी मुल्क से, वेस्टर्न कंट्री से है। 2002 में यकीनन मैं मजम्मत करता हूं गोधरा ट्रेन के जलाने की, मगर उसके बाद जो गुजरात की सरजमीन पर जब चीफ मिनिस्टर मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी थे और गुजरात की सड़कों पर अहमदाबाद में एक नहीं दो मई तीन महीने तक जिसको निशाना बनाया गया, लंबी तफसील में जाना नहीं चाहता हूं, एक बच्ची है जो हामिला थी उस पर 2002 में, अपने खानदान के साथ भाग रही थी अपनी जान बचाने के लिए। उस हामिला थी, उसकी एक मासूम छोटी बच्ची थी 2 साल की, तो जालिमों ने नाथूराम गोडसे की औलाद ने इसको रोका और रोककर 12 लोगों ने उसकी इज्जत लूटी, उसका हमल साकित हो गया। एक मां के सामने उसकी बच्ची को उठाकर सर एक पत्थर पर सर फोड़कर उसको मार दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा कि उसको 50 लाख भी दो, उसकी नौकरी भी दो। तो बताइए मोहन भगवत, क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं था? क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं था? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोहन भगवत कहते हैं मॉब लिंचिंग है ही नहीं। हाफिज जुनैद 2 साल पहले रमजान में तरावी खत्म किया और तरावी खत्म करके नए कपड़े दिल्ली से लेके बल्लभगढ़ हरियाणा जा रहा था, तो भरी ट्रेन में हाफिज जुनैद को चाकू से मार दिया गया। क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं था? यकीनन मॉब लिंचिंग में हमारे हिंदू भाई भी मारे गए, वो भी मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग में दलितों को मारा गया, वो भी मॉब लिंचिंग है। हर मॉब लिंचिंग होता है, मगर अगर आरएसएस के सरसंचालक ये कहेंगे कि होता ही नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि बिल्ली जब दूध पीती है तो समझती है कि दुनिया नहीं देख रही, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम जानते हैं। तो ये इनका हिसाब खत्म हुआ। अब दूसरा मुद्दा, यहां से अकबाल पाशा साहब कैंडिडेट बने। जालना में हमेशा म्यूजिकल चेयर का कंपटीशन हो रहा, 5 साल तू बैठ, 5 साल मैं बैठता हूं, तू नगर परिषद चला, मैं मार्केट कमेटी चलाता हूं। इसको क्या बोलते हैं कि चोरा चोरा मिलकर गांव बांटती है। तू 5 साल चला, मैं 5 साल चलाता हूं। क्या भाई, क्या ये है आपके खानदान की जागीर है? जालना इकबाल पाशा तुम्हारी खुशी नहीं छीन सकते, छीनेंगे इंशाअल्लाह होता। और आप तमाम को साथ देना है, मुत्तहिदा साथ देना है। और फिर पानी का मसला अब तक हल ही नहीं होता। देखो आप अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि बारिश यहाँ पे नहीं हो रही ना,
बारिश की बहुत जरूरत है पानी की। मजलिस का जलसा हुआ, अल्लाह सुभान व तआला बारिश को नाजिल करे। तो हम जालना के आवाम से कहना चाह रहे हैं कि इकबाल पाशा का कैंडिडेट बनना और उसके बाद जब उनकी कामयाबी हो जाएंगी तो यकीनन यहाँ पर पीने के पानी का मसला हल होगा। और जो बीजेपी शिवसेना की हुकूमत, उसके बावजूद भी 90 करोड़ का खर्चा हो गया, पानी नहीं आता। 90 करोड़ चले गए, पानी नहीं आता। भाई जब बैठक से पानी नांदेड़ को जा सकता है तो फिर यहां पैटर्न से पानी लाओ और जाके नदी में छोड़ो, इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। जब हिंदुस्तान के वजीर आजम इसरो के साइंटिस्ट के साथ बैठकर देख रहे थे कि क्या चांद पर लैंड होगा नहीं होगा, मुझे अजीब लगता वजीर आजम दिल्ली से बैठ के नहीं देखते जालना में पानी नहीं आया मोदी जी। आप तो चांद पर देख रहे थे कि आप लैंड होगा, हम भी इंतजार में थे, ऐसा नहीं। मगर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने चांद को देख रहे, यहां ही नहीं देखे जालना को। क्या बात है मोदी जी, ये आपकी हुकूमत है मेरी नहीं है। इसलिए आपसे सवाल करना, आपकी गवर्नमेंट से सवाल करना, आपकी पार्टी से सवाल करना और आपके साथ जो पार्टी आपकी तारीफ कर रही है उनसे भी सवाल करना, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप इख्तदार की कुर्सियों पर बैठे हैं, आपने इंसाफ नहीं किया जालना के लिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जालना में इकबाल पाशा साहब को आप कामयाब करिए। यहां से इकबाल पाशा की कामयाबी जालना की जामे तरक्की की एक कामयाबी का जामिन बनेगा इंशाअल्लाह। तीसरी बात, इकबाल पाशा साहब उम्मीदवार बनते ही कांग्रेस ने, अब कोई बीमारी है पुरानी, जब से हम आए महाराष्ट्र में 2012 से, जब से कांग्रेस बोलती है वोट काटने को आए, वोट काटने को आए, वोट काटने को आए, 2012 से इतना बोले कि तुम ही खुद कट कट के टुकड़े हो गए, तुम्हारे कट कट के टुकड़े हो गए। कितने एमपी तुम्हारे पार्लियामेंट में जीते, 50 के ऊपर एक दो तीन होंगे, नहीं तो वोट काटने को आए। उत्तर प्रदेश में तुम्हारा सदर अपने आवाजदार की पार्लियामेंट की सीट हार गया, मैं नहीं भी गया तो हार गए, अमेठी की सीट वहां कैसा हार गए, क्या मेरे अजीमनाथ जाके अमेठी के लोगों को कान में फूंक के बोले मतदार हो इसको, कहां जीते हो? वायनाड जीते मोहतरम, जो मोहतरम वायनाड जीते वहां पर क्यों जीते? क्योंकि वहां 40% के ऊपर अकलियतें हैं, हम उनको बचा लिए गिरने से, मगर यूं हमारे को गिराना चाह रहे जालना। मेरे भाई कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली नहीं है, अब इनका हाल कैसा है, गिरे तो गिरे मेरी टांग ऊपर, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, ठीक है रस्सी को मैं तोड़ने आया। मजलिस लड़ती इलेक्शन जहां कहीं भी, महाराष्ट्र में हम 50 सीट पर लड़ रहे, जहां कांग्रेस का कैंडिडेट है हम एक ही भीख मांग रहा, फिर वोट काटने आया है, वोट काटने आया है। अरे ऐसा कैसा रो रहे, तुम बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, बच्चों की तरह नहीं रोना, मम्मी लॉलीपॉप दो, मम्मी दो, और मम्मी एक बार पाशा से भीख मांग रहे, कितना मांगेंगे? एक एक नस्ल, दो नस्ल, तीन नस्ल, चार नस्ल, पांच नस्ल, अरे क्या तुम्हें हिस्सा है तुम्हारा? मेरे भाई कांग्रेस पार्टी में अब वो ताकत नहीं रही है, ना कांग्रेस पार्टी अपने आप को लड़ने के काबिल बनाना चाहती है। आप अंदाजा लगाइए कि जब कश्ती समंदर में डूबती है तो जो कश्ती का कैप्टन होता है, जो कश्ती को चलाता है,
उसको सही राह देता है समंदर में। जब कश्ती डूबती है तो कश्ती का कैप्टन ये कहता है कि पहले तुम लोग भागो, बचाओ अपनी जान, उसके बाद आखिरी में मैं जाता हूं। दुनिया में वाहिद पार्टी है कांग्रेस पार्टी। जब कश्ती डूब रही थी तो इनका कैप्टन समंदर से दूर पे साहिल पे आके बैठ गया देखते हुए कश्ती। अब आप बताओ, आप जानना की फिक्र कर, आपका कैप्टन क्या है बादशाह, किधर है तुम्हारा कैप्टन, किधर जाके बैठा वो, कहीं नजर नहीं आता। लारे क्या महाराष्ट्र को उल्टू क्या नहीं आ रहे। याद रखो, आप खुद अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। आप ही की वजह से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम बने। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की वजह से ही दोबारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने। मेरी वजह से नहीं बने, मेरे भड़काऊ भाषण की वजह से नहीं बने, हमारे इलेक्शन लड़ने की वजह से नहीं बने। इनकी आदत बन चुकी है कि जब कभी भी मजलिस खड़ी होती है मजलूम आवाम के इंसाफ की लड़ाई के लिए, तो हमेशा ये इल्जाम लगा देती है कि वोट काटने के लिए खड़े हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि वोट काटने के लिए खड़े हैं, तो ठीक है, अब मेरा जवाब सुनो। मैं ये कांग्रेस पार्टी को जवाब दे रहा हूं। 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद एक हिंदू अखबार में एक स्टडी आई, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के 540 पार्लियामेंट की सीटों का जायजा लेकर डॉक्यूमेंटेशन करके कहा कि किस मजहब के लोगों ने, किस जात के लोगों ने, किस कास्ट के लोगों ने बीजेपी को, कांग्रेस को, मुख्तलिफ पार्टियों को वोट दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को 37% हमारे हिंदू भाई और बहनों के वोट मिले, 2019 में उनको 44% मिले, 37 से 44% का जंप है, कितने हो गए 7% इजाफा हो गया, 7%। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुसलमानों ने भी मोदी को, बीजेपी को वोट दिया 2014 में, वो कितने थे 6%, 19 में भी वही 6% थे। तो यकीनन है जो 6 होते उन्हें देते ना, 6 छक्का मारे बोलते देखो आप, तो उन्हें होंगे। हमारे को उससे इतराज नहीं, जमहूरियत है तो आप, मगर ये 37 से जो 44% हुआ, इसका जिम्मेदार मैं हूं। कांग्रेस पार्टी इसका जवाब नहीं देंगी आपको। मैं पूछा कई मरतबा कांग्रेस पार्टी के लीडरों से, टीवी में डिबेट किए एक मरतबा, जैसा मैं पूछा नीचे मुंडी कर लिए, बोले तुम ऐसे बातें क्यों करते। मतलब क्यों, क्या मेरे कान तुम्हारी बकवास सुनने को है। मेरे भाई, ये हकीकत है हमारी जमहूरियत की। और कांग्रेस पार्टी को पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में भारत देश में 11 करोड़ के करीब वोट मिले। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 11 करोड़ में 7 करोड़ के ऊपर तो सिर्फ मुस्लिम अकलियत के वोट। इसके बावजूद भी तुम बीजेपी को नहीं हरा रहे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई साहब, अब बंद करो ये लाला की दुकान को, मुफल डालो इसको, अब बंद करो इसको, अब ये चलने वाली नहीं है। ये पुराना टेलीफोन है यूं मिलाने का, अब ये सेलफोन 4G का जमाना, और हम आपके सामने है 4G के बाप खड़े हुए आपके सामने। आप मंजिल पार्टी को उनके उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आपका वोट अगर कांग्रेस को पड़ेगा तो जाय होगा। और जहां जहां महाराष्ट्र में दिया गया वोट जाय हो गया, बीजेपी शिवसेना को नहीं रोक सके। इसीलिए आपसे गुजारिश है, जालना की सेकुलर जहन रखने वाली आवाम से गुजारिश है कि एक बुजुर्ग शख्स को जिसने अपनी जिंदगी इसी जगह पर गुजार दी, जो इस जालना के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, जो जालना के असेंबली हल्के के आवाम के मसाइल से वाकिफ है, और जो बेलौस आवाम की खिदमत करना चाहता है और कर रहा है,
آپ کو ان کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. لوگ آ کر آپ سے بولیں گے یقیناً اس جلسے کے بعد جو میرے دشمن میری آواز کو سن رہے صبح سے شروع ہو جائیں گے, فجر کی نماز کے بعد وہ شروع کر دیں گے کانوں میں کانا پھوسی بولتے دیکھو. ارے کل آئے تھے آ کر یہ بول کر گئے دیکھو بھائی یہاں سے ہم کو دیکھو متحدہ ووٹ کا استعمال کرنا ہے. پہلا جملہ یہ ڈاکوؤں کا یہی رہتا ہے دیکھو اپنے آپ کو بچانا ہے, دیکھو اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے. ارے دیوانے ڈاکو 70 سال سے ہم زندہ ہے تو تیری پارٹی کی وجہ زندہ ہے, اللہ کی وجہ سے زندہ ہے اور کل بھی رہیں گے ان شاء اللہ. ہوتا کوئی مائی کا لال ہم کو ڈرا نہیں سکتا, کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کو مٹا دے اس وطن عزیز سے. یقیناً مشکل وقت ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ سے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اندھیری رات بڑی لمبی ہونے والی ہے, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیروں پہ جا کے بیٹھ جائیں. جس طرح موہن بھگوت نے ایک بیان دیا تھا کہ ہندو راشٹر میں بغیر مسلمان کے ہندو راشٹر ہو نہیں سکتا, ارے کیسا ہندو راشٹر بنے گا بھارت؟ یہ بھارت تھا ہے اور رہے گا, یعنی بولنا کیا چاہ رہے یہ موہن بھگوت کی زبان میں ہم سے آ کے بولتے ہیں. انہوں بھی بول رہے کہ جب ہندو راشٹر بنے گا تو بغیر مسلمان کی کیسے بنے گا, نہیں بنے گا ہندوستان ہندو راشٹر نہیں بنے گا, اس لیے کہ اس ملک کا سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا جب تک رہے گا یہ بھارت رہے گا, ہندو راشٹر نہیں بنے گا انسان کا ہوگا. اور ہم کسی کے رحم و کرم پر زندہ نہیں ہے. بولنے کا مقصد کیا ہے کہ تم ہمارے رحم و کرم پر زندہ ہو. کون سے رحم و کرم پر زندہ ہے تمہارے کہ تم نے ہم کو زندہ رکھا؟ ارے ہم زندہ ہیں کیونکہ ہم ہمارے دل میں آج بھی سمویدھان سے محبت اور اعتماد ہے اور کل بھی رہے گا. ہم زندہ اس لیے ہیں کیونکہ اللہ نے ابھی تک ملک الموت کو ہمارے پاس نہیں بھیجایا, جس دن بھیجائے گا چلے جائیں گے. تم کون ہوتے ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے؟ نہیں کیوں لڑیں گے ویسا ہوں گا. ارے کچھ نہیں ہونے والا ہے, 306 سیٹ جیت گئے ہو, 306 سیٹ جیتنے کے بعد تم آ کے ہمارے کو ڈرا رہے. ارے ڈاکو سدھر جاؤ, اب بار بار نہیں بولنا شیر آ رہا شیر آ رہا شیر آ رہا, بار بار آ کے بول دے. اب ہم جان چکے ہیں, ارے آ رہا دیکھو آ رہا دیکھو. ارے پاشا پہلے اپنے کپڑے قمیض کو لنگی کو بچاؤ, ہم کو مت بولو شیر آ رہا شیر آ رہا. بہت سے شیر آئے چلے گئے, 56 آئیں گے چلے جائیں گے, مگر ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ متحد رہیے. اگر کوئی آپ کو آ کر کہتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں اگر فکر ہے کہ کیسا جیتیں گے اقبال پاشا, میرے بھائی اورنگ آباد میں بھی یہی سوال اٹھا تھا کہ کیسا جیتیں گے امتیاز جلیل. لوگ یہ ہم کو میرے کو آ کر بول رہے تھے کہ آپ حماقت کر رہے ہیں. یہی اجو نائک واڑی آئے تھے دارالسلام کو روک کے پوچھ لینا, 2 دن یا رکیں گے ہم. اجو نائک واڑی اور مجلس کے تمام کارپوریٹر جس میں ہمارے 5 دلت کارپوریٹر بھی ہیں وہ سب آ کر میرے کو بولے کہ اسد صاحب ہمارا ایک خواب ہے. آپ نے بھی کہا تھا نا کہ خواب دیکھنا شروع کرو. ہمارا ایک خواب ہے کہ اورنگ آباد سے اپنا ایم پی جیتے. میں نے ان سے پوچھا کہ 30 سال کا شیو سینا کا ایم پی ہے, مقابلہ سخت ہے, صرف 25 دن کا ٹائم ہے. تو سب نے مل کر کہا کہ صاحب 25 دن ہے, ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں, ہم 19-20 گھنٹے کام کریں گے. اور الحمدللہ تمام نے اسی طرح محنت کی. میرے بھائی جو لوگ ناممکن سمجھتے تھے, عبد الرحمن انتولے مرحوم کے انتقال کے بعد لوگ سمجھتے تھے کہ اب کوئی نہیں جیتے گا,
अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की आवाम ने उन सबको गलत साबित किया। दुनिया के बड़े बड़े लोग मुझसे आकर रब्ता कर कह रहे थे कसौद्दीन अवैसी पूरे मुल्क में मोदी की आंधी है, बीजेपी का तूफान है, आरएसएस की हवा चल रही है। मैं किसी का नाम लिए बगैर कहना चाहूंगा कि मैंने उन सब से कहा कि बड़ी इज्जत के साथ आपसे कह रहा हूं कि आप उम्र में, तजुर्बे में, इल्म में, हर एतबार से, तक्वा में आप मुझसे बड़े हैं। यकीनन आप बड़े हैं, मगर मैं जाहिल जरूर हूं, मगर मेरा दिल, मेरा विज्ञान मुझसे कह रहा है और मेरी जमात की तारीफ मुझसे कह रही है। मेरी जमात के जिम्मेदारान जो इस जमात के लिए कुर्बानी दिए, जिनकी जिंदगी हमारे लिए एक मसाले राह है, उनके कदमों पर चलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे बुजुर्गों ने हमको एक हुनर सिखा दिया, एक फन सिखा दिया, और वो ये हुनर और फन ये था कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने बातिल तूफानों में चराग जलाने का हुनर हमने सीख लिया। और वही काम औरंगाबाद में हुआ कि मोदी का तूफान, बीजेपी की हवा, हम सबसे कहा कि बाबू ये औरंगाबाद में तुम्हारी हवा नहीं चलेगी, यहाँ पर हमारी हवा चलेगी। आंधियों से कहा कि अपना रुख मोड़ लो, कांग्रेस की तरफ कर दिया आंधियों का रुख। आंधियों से बोला एनसीपी कांग्रेस उधर जिसको जाना है जाओ। जलजले आए तो कहा कि तुम्हारे सियासी जलजले हमारे पैरों को हमारे साबित पत्नी से नहीं रोक पाएगा। यही काम आपको करना है, जालना में आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ एतमाद पैदा करो, अपने हौसले को बुलंद रखो और अपने दिमाग से सवाल हरगिज नहीं करना। याद रखो, जब किसी से मोहब्बत करते ना, जब किसी से इश्क हो जाता तो दिमाग से नहीं सोचता हूं आशिक, बोलता नहीं तेरा दिल बोल रहा हूं मैं मोहब्बत में फिदा हूं क्या करो। जब किसी से मोहब्बत हो जाती तो उसको लाज बोलो, अरे दीवाने दिल दिमाग से सोच, तो नहीं बोलता मैं दीवाना ही नहीं हूं, अगर मैं दीवाना कैसा हूं अगर मैं दिमाग से सोचा। इसीलिए लैला मजनू की दास्तान मशहूर है। यकीनन सही वाक्य सुनाऊं मैं आपको। मजनू जो है हज करने गया था, और जब हज करने गया तो मीना के मैदान में किसी खैमे से आवाज आई लैला, तो भागना शुरू कर दिया, कहां है मेरी लैला, कहां है मेरी लैला। दिल से सोचा, दिल से चाहा था। जब मालूम हुआ कि लैला इस दुनिया से चले गई तो कब्रस्तान में गया, खबर के पास जाकर मच्छी उठाकर सूंघता था और कहता नहीं मेरी लैला यहां पर नहीं है। जब एक खबर पर पहुंचा तो कहा हाँ यहां मेरी लैला सो रही। तो दिल से फैसला करो, दिमाग से फैसला करेंगे तो दिमाग हमेशा डराता, दिमाग हमेशा डराता, अरे ऐसा हो जाएगा, वो बारिश हुई तो हम भीग जाएंगे, बिजली गिरेगी तो वो हो जाएगा, अरे मेरे भाई हमारे पास अब है क्या। 70 साल में हमको इन तमाम लोगों ने, कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने, शिवसेना ने हमको इतना नीचे पहुंचा दिया कि अब हम समंदर की सतह में तह में पहुंच चुके, इससे नीचे नहीं जा सकते। अब यहां से उठना है इंशाअल्लाह, यहां से उठेंगे उठेंगे उठेंगे, और ऐसा उठेंगे याद रखो संग परिवार के लोगों कि इंशाअल्लाह ताला हमारी बुलंदियों को देखकर तुमको शर्मिंदगी होगी एक दिन इंशाअल्लाह। मेरे भाई यही पैगाम मैं आपको देने आया हूं कि हौसला पैदा करिए, हौसला पैदा करिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए, खौफ को अपने करीब आने मत दीजिए। मैं मानता हूं कि हमारे वतन अजीज के हालात ठीक नहीं है, मैं मानता हूं कि मॉब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से अकलियतों को निशाना बनाया जा रहा है, मैं मानता हूं कि अखलाक को मारने वाले
जब मर एक्यूज की मौत हो गई तो उसको हमारे वतन अजीज के तिरंगे में रखकर उसकी लाश को लेकर गए और हमारा मजाक उड़ाया गया। मैं मानता हूं तबरेज की कुर्बानी को, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं तबरेज की कुर्बानी को। हमने देखा किस तरह तबरेज की मॉब लिंचिंग हुई थी। मैं जब रांची गया तो तबरेज से, तबरेज की बीवी जो बेवा हो चुकी थी हमारी बेटी से मैंने मुलाकात की। मेरे भाई, आप तमाम ने तबरेज का मॉब लिंचिंग का वीडियो देखा, देखा आपने? उसमें एक बात क्या थी, एक बात खास बात है, दोबारा देखना। उसमें बात यह थी कि जब तक तबरेज अपना नाम सोनू सोनू कह रहा था, उसको ज्यादा उसकी पिटाई नहीं हो गई। जैसा उसने तबरेज का उसको खूब मारा गया। ये नाथुराम गोडसे की औलाद, ये शयातीन जिनके लुत्फे में कोई फर्क नहीं है, उन्होंने खूब मारा, खूब मारा। और तबरेज जो है, जब पुलिस स्टेशन हस्ब रिवायत सुबह में आकर उसको लेकर गई, बड़ी मुश्किल से शाइस्ता हमारी बेटी जो बेवा हो चुकी है, उसने पुलिस स्टेशन में जाकर तबरेज से मुलाकात की तो तबरेज ने कहा दो ही बात कही, मुझे पानी पिलाओ और मुझे अस्पताल ले जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। कोर्ट से जेल को भिजा दिए गए। एक दिन के बाद तबरेज की मौत हो गई और मौत का सबब यह मालूम हुआ कि तबरेज को इतना बुरी तरीके से मारा गया था कि उसके सर की खोपड़ी में 3 फ्रैक्चर आ गए। तब आप बताओ, जो लोग आकर कोर्ट कटवा, सेकुलरिज्म, क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, और आप क्या कर रहे थे वहां पे? जब तबरेज पर जुल्म हुआ तो वहां के रांची के मजलिस के सदर जनाब हुब्बान मलिक साहब दौड़ते दौड़ते गए और तबरेज की बेवा जब उनसे मिलने आई तो खुदा की कसम असदुद्दीन अवैसी में हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे कुछ बात कर सकूं। उनके रिश्तेदारों ने मुझसे एक अपील की कि असद साहब, हमको आपसे उम्मीद है कि आप हमारे इंसाफ की लड़ेंगे और हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि तबरेज को मत भूलो आप। इसीलिए मैं तबरेज का जिक्र हर जलसे में करता हूं, वरना हमारा हाल ऐसा है कि तबरेज को भूल गए, मोहसिन शेख को भूल जाएंगे। नहीं भूलना है मेरे भाई, याद रखो जालिम के जुल्म को, याद रखो। और याद रखो, जब तक तुम जालिमों से पंजा आजमाई नहीं करोगे, कोई इंसाफ नहीं करने वाला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको मौका दे रही है कि अपने हक के लिए लड़ने के लिए। अब रहा सवाल शिवसेना का, क्या बोलेंगे इनके बारे में? मुंबई में वो आरे जंगल है, वहां झाड़ काट दिए तो शिवसेना के चीफ बोलते हैं जनाब उद्धव ठाकरे कि हम जब पावर में आ जाएंगे तो वो झाड़ काटने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अब क्या मैं चीफ मिनिस्टर हूं महाराष्ट्र का? इकबाल पाशा जंगलात के मिनिस्टर है क्या? इनका बहुत ताल्लुक। आप आए तो छोड़ेंगे नहीं, यानी इतने बेबस है फडणवीस के सामने कि कुछ कर ही नहीं सकते। मेरे भाई, बीजेपी जब से सरकार में आई एक ही बात करते हैं लोग, हिंदू मुसलमान की बात, कभी मॉब लिंचिंग की बात, कभी पाकिस्तान की बात। 5 रुपए का बिस्किट आज कोई नहीं खरीद रहा। आप जाकर बीजेपी शिवसेना से पूछो, भाई नौकरी क्या हुआ? 6% अनएम्प्लॉयमेंट है भारत देश में, अरे हमारी नौकरी का क्या हुआ? तो दोनों मिलके बोलेंगे 370 नहीं निकाल दिए। आप जाके उनसे पूछेंगे, अरे भाई 14 से 18 तक 14,500 किसान मर गए, तो बोलेंगे है तो उसकी क्या बात कर रहा, क्या हम त्रिपुर तलाक नहीं दिए? आप जाकर उनको बोलेंगे, अरे महंगाई आसमान को छू रही, दोनों बोलेंगे मोदी जी ट्रंप से नहीं मिलके आए, अमेरिका में नहीं देखे? अरे किसान मर रहा, अरे ट्रंप को नहीं देखो, कितना ट्रंप कैसे मिला? वाकई में ट्रंप से अच्छा मिले, ऐसा लग रहा था
कि जो पुराने आशिक हाथ मिलाकर चल रहे हैं, हाथ पकड़ के यूं, क्या बात मोदी जी, आप भी 70 के करीब हो रहे, उन्होंने 70 प्लस एक ट्रंप बहुत नापाक और खतरनाक किस्म का थी, और ट्रंप कुछ नहीं दिया भारत को, ट्रेड एग्रीमेंट का पूछे जीरो ट्रेड एग्रीमेंट है नहीं हमारे पास, उल्टा हम 17,000 करोड़ ले जाके वो कंपनी में इन्वेस्ट करें जो ट्रंप को इलेक्शन में पैसा देना है, कुछ नहीं मिला। अमेरिका का ट्रिप क्या था नहीं मालूम, खाली टीवी पर दिखाया गया था कि प्रधानमंत्री वहां गए, प्रधानमंत्री यहां गए, भारत को क्या मिला यकीन टीवी में बहुत दिखाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी शिवसेना हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। अब महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, एक खला है, और उस वैक्यूम को सिर्फ मजलिस पूर कर सकती है। आज महाराष्ट्र में एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो महाराष्ट्र के आवाम को लेकर उनके मसाइल की सही तर्जुमानी कर सके। जिस तरह मैंने औरंगाबाद में इनके जलील ने कहा था कि मेरी कामयाबी मुसलमानों की कामयाबी नहीं है, यह औरंगाबाद के आवाम की कामयाबी है। इसी तरह यहाँ से अगर आप मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इकबाल पाशा की कामयाबी इंशाअल्लाह ताला जालना की तरक्की की कामयाबी होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।